नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे की तरफ से आरआरबी पैरामेडिकल की जो वैकेंसी है उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकल चुका है। इससे पहले शॉर्ट नोटिस दिया गया था और अब क्या अर्हताएं हैं, क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है। लगभग 20 कैटेगरी में जॉब है, जैसे कि आप बात कर सकते हो डाइटिशियन हो गया आपका, नर्सिंग स्टाफ का हो गया या नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के आपके लगभग 20 कैटेगरी के जॉब है। तो हो सकता है ये वीडियो आपकी लंबी हो, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, मैंने पूरे टाइम अलॉट नीचे कर दिया है। आप चैप्टर्स पे जाके इस पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी के सब कुछ देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे भरे फॉर्म। फॉर्म भरना स्टार्ट है और स्टार्ट मतलब कब से स्टार्ट है ये आपको बताएंगे। पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन जो है इस बार क्या चेंजेस है, इस बार फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, टोटल पोस्ट क्या है, क्या बढ़े या घटे हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव है या एलिजिबिलिटी में क्या बदलाव है, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये आपका सीएन 4/2024 का पूरा नोटिफिकेशन है। ये इससे पहले आपकी शॉर्ट नोटिस आई थी 1376 पदों पे और 1376 पदों पे ही इस बार भी आपके क्या है, इस बार भी आपके नोटिफिकेशन दिए गए हैं। मैं सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये सारे आपको सिलेबस वगैरह है जैसे नर्स स्टाफ को बताया था, एक चीज इनिशियल में कहूंगा, जो बच्चे मेडिकल पैरामेडिकल कैटेगरी की तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि स्पेसिफाइड इसका कोर्स आपको जल्दी मिलता नहीं है, मैं आपको इतना सलाह दूंगा कि आप लोग जैसे इसमें जो कॉमन पार्ट होता है जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और आपका क्या हो गया, जीके जीएस हो गया, 10-10 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन में। ये आप YouTube इसी परीक्षा प्लस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शाम को 6 बजे साइंस, 7 बजे आप जीके जीएस और 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग कवर कर सकते हो। तो ये 10 नंबर आपका ये कवर हो जाएगा, 10 नंबर का आपका ये है और 10 नंबर का ये है, तो 30 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 30 नंबर आपका यहां से कवर हो जाएगा। और आपको सब्जेक्ट के लिए 70 नंबर पूछा जाता है, क्या करना है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। ये आपकी टीम इसको क्या कर रही होगी, पूरी चीजें आपको करा रही होगी, कवर करा रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की जो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं कि इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो इसे आप देख सकते हो कि सीईएन 4/2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें इसमें अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा वो 17/8/2024 होगा। एक लिंक ओपन होगी जो rrb.apply.gov.in होगी, वो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब ये लिंक ओपन होगा तो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आप आरआरबी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं rrb.apply, बस इतना करना है। अगर आप इतना ही गूगल पे डाल दोगे तो अपने आप आ जाएगा, आगे .gov.in लगा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको अप्लाई करना है और क्लोजिंग डेट आपका 16/9 है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन अगर कुछ गलती हो जाता है तो 17/9 से लेके 26/9 तक आप कर सकते हो। अब आते हैं, मैंने बताया ना कि लगभग 20 कैटेगरीज में जॉब है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें केवल 16 कैटेगरी में जॉब थी और इस बार कैटेगरी जो है इस बार लगभग 4 कैटेगरी बढ़ाई गई है। अगर यहां पे देखा जाए तो जैसे डाइटिशियन के हैं, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो गया, ऐसा नहीं कि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट पहली बार पद आया, इससे पहले भी पद थे, इससे पहले भी लोग सिलेक्ट हुए। जनरली जो स्टाफ नर्स होता है वही नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट ही बोला जाता है। स्टाफ नर्स में क्या होता है कि जनरली ये माना जाता है कि वहां पे केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, बट इसलिए ये मेल और फीमेल दोनों की जॉब है तो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट इसीलिए इसे बोला गया है कि ये क्या है, ये नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की जॉब है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेल फीमेल कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, यहाँ पे भी मेल फीमेल कर सकते हैं। ऐसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, डेंटल हाइजीनिस्ट हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर हो गया। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्ट आपके जो मुख्य मुख्य पद हैं आपके कौन से हैं, एक आपका पद आपका कौन सा है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट या इसी को स्टाफ नर्स बोल सकते हो। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर आपका 126 पदों पे ये है और फार्मासिस्ट यहाँ पे जो एंट्री ग्रेड का है यहाँ पे आपके 246 पद यहाँ पे हैं और एक आपका जो ज्यादा पद वाला है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट के हैं, 94 पद। अगर इन चारों को ही मिला लिया जाए तो 700, 700, 200, 900, 900, 1000 और इन सबको जोड़ लो तो लगभग 1100 और 1200 आसपास इन्हीं इन्हीं चार कैटेगरीज में मिला के 1200 पद तो इन्हीं चार कैटेगरीज में हो जाते हैं, बाकी सब में थोड़े थोड़े ही हैं। जैसे अगर आप रेडियोग्राफर का देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पास डिप्लोमा वगैरह होता है तो यहाँ पे भी इसके 64 पद हैं। अब 20 कैटेगरीज में वही मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरी एक साथ वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लंबी वीडियो होगी तो एक एक इसीलिए मैं बताऊंगा तो मैं सारी इस वीडियो में, बट एक एक चैप्टर आपका मैं ऐड कर दिया हूं। तो मैं इनिशियल से स्टार्ट करूंगा डाइटिशियन से और एक एक का आप जाके उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बता दूं सारी चीजें। डाइटिशियन का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डाइटिशियन का ये लेवल 7 की जॉब है, 44,900 इसका ग्रेड पे है,
44,900 इनिशियल पे होता है, इसमें 50% आपका क्या होता है, आपका डीए लगता है, तो 44,900 मतलब 45 जोड़ो 22,500 और जोड़ोगे तो ये लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 67,000 के आसपास आ जाएगा। मतलब इनिशियल जो आपकी सैलरी मिलती है सारे सारे अलाउंसेस लगा के 72,000 से 75,000 के बीच में, सिटीज वगैरह सब पे डिपेंड करता है, तो 72,000 से 75,000 इनिशियल सैलरी बैठती है डाइटिशियन का और आपका नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का। ये मेडिकल कैटेगरी C2 है, मेडिकल कैटेगरी की मैंने वीडियो अलग से बनाई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेडिकल कैटेगरी का लिंक लगा हुआ है या ऊपर ये लिंक आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पे मेडिकल कैटेगरीज क्या होता है। उम्र इन्होंने 3 साल रिलैक्सेशन दिया है और 1/1/2024 कट ऑफ डेट माना है, और 18 से 36 साल का उम्र के कोई भी अभ्यर्थी इसमें क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है डाइटिशियन में। जबकि जो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है इसमें 20 से 43 और ये बहुत बड़ा एज गैप है, यहां पे बच्चा अप्लाई कर सकता है। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो, ये बाकी सर ये लेवल 6 के ही है, इनसे आपको मतलब है, इनसे नहीं मतलब है, आपको मेन मतलब है कि एज आपका क्या है। तो एज आप बाकी देख लो, मैं मेजर मेजर बता दे रहा हूं, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट आपका क्या हो गया 21 से 33, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट आपका क्या हो गया साइकोलॉजिस्ट 18 से 36, डेंटल हाइजीनिस्ट 18 से 36, और उसके बाद अगर देखा जाए डायलिसिस टेक्नीशियन का 20 से 36, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर 18 से 36 है, और अगर बात किया जाए लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट 18 से 36 है भी है, परफॉर्मिस्ट आपका 21 से 43 है, फिजियोथेरेपिस्ट आपका कितने 18 से 36 है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपका 18 से 36 है, कैथ लैब के आपके कितने हैं, कैथ लैब का अगर देखा जाए ये भी 18 से 36 है, फार्मासिस्ट आपका 20 से 38 है, ऐसे आपका रेडियोजोग्राफर है ये आपका 19 से 36 है, और सीधा अगर स्पीच थेरेपिस्ट की बात किया जाए ये भी 18 से 36 है, साथ में ही अगर कार्डियक टेक्नीशियन की बात किया जाए तो ये भी 18 से 36 है, और ईसीजी टेक्नीशियन की बात किया जाए तो ये भी 18 से 36 है, लैब असिस्टेंट भी 18 से 36 है, और आपका फील्ड वर्कर 18 से 33 है। फील्ड वर्कर और लैब असिस्टेंट लेवल 2 और लेवल 3 की जॉब है, ये आपकी जो जॉब है कार्डियक टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्रिस्ट और ईसीजी टेक्नीशियन लेवल 4 की जॉब है, ये 3 पद आपके लेवल 5 की जॉब है और प्रमुखता आपके लेवल 6 के जॉब है, 2 पद ऊपर के लेवल 7 की जॉब है। मैक्सिमम जो एज गैप 18 से 36 मांगा है, अगर आप देखोगे मैक्सिमम 18 से 36 मांगा है, कुछ जगह पे केवल आपका स्पेशल मांगा है, जैसे आपका यहाँ पे हो गया नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो गया, यहाँ पे आपका क्या मांगा है, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। साथ में अगर बात किया जाए तो ये आपका जो हो गया हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, यहाँ पे भी 18 से 36 मांगा गया, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में हम लोग रखेंगे। अब आते हैं इसमें मेन मेन चीज की क्या क्या एलिजिबिलिटी, एज तो आप लोगों ने देख लिया सभी का, एज के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात है कैसे इस बार चयन होगा और क्या होगा। तो 26/9/2024 इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो, और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी बच्चों की वो डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन आरआरबी वाइज होगा 1:1 के रेशियो पे, मतलब कि जितना वैकेंसी होगी उतने ही बच्चे डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। तो मतलब जो आपका क्या हो सकता है, कुछ रिजर्व लिस्ट इसके लिए निकालते हैं, बट जो आपकी CBT 1 केवल सिंगल CBT 1 आपका एग्जाम होगा, और उसी CBT 1 में ही आपका क्या हो जाएगा, उसी CBT 1 में आप ये बोल सकते हो कि CBT 1 में ही आपका एक ही आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर हम लोग यहां पे करेंगे CBT 1 की बात करेंगे तो CBT 1 में आपका CBT 1 के बाद ही डायरेक्ट ही आपका मेडिकल और डीवी के लिए यहां पे बुला लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होता है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। बैंड आइटम की बात करेंगे, ये सब इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नया नोटिफिकेशन इसमें तो बहुत सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या दिया हुआ है। अब आते हैं कि यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया जहां से लेना है वो आप देखोगे 18 से 33 वाली जो पोस्ट है 1/1/2007 और 2/1/1992 के बीच में होना चाहिए, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और SC/ST का 1989-1987। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपका एज होगा उस एज में देख के आप आसानी से इसे देख सकते हो। COVID-19 के चलते इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन सभी में दिया है, SC/ST कैंडिडेट का 5 साल का रिलैक्सेशन और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, बाकी रिलैक्सेशन आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार रिलैक्सेशन वाले बच्चे क्या करेंगे, इसे देख लेंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनेक्सर ए में है, तो सीधा हम लोग कहां पे आएंगे, सीधा एनेक्सर ए में आएंगे। फीस 500 है और 250 है, बाद में ये क्या होता है रिफंडेबल भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग एनेक्सर ए में आते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे सबसे ज्यादा इसी के लिए परेशान रहते हैं कि भाई कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये आपका ब्लाइंड कैटेगरीज वगैरह का सब कुछ है, आते हैं यहाँ पे, ये अपेंडिक्स 1 है और एनेक्सर 1 है, और इसमें क्या है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने सर्टिफाइड एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ट 3 इयर्स कोर्स इन GNM
जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मतलब कि जीएनएम होता है, इसे आप सही से देख सकते हो, या फिर इन्होंने बोला है और अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बीएससी नर्सिंग। इन्होंने नोट में क्या लिखा है कि द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन, वही जो मैंने इससे पहले भी आपको क्वालिफिकेशन पूरा बताया था, वही क्वालिफिकेशन यहां पे दिया है कि जो एएनएम वाले लोग होते हैं या मिडवाइफ्स होते हैं या बी ग्रेड नर्स होते हैं, इनके लिए ब्रिज कोर्स होता है, वो ब्रिज कोर्स कर किए होते हैं अगर नर्सिंग के लिए या जीएनएम के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें कौन कर सकता है, इसमें बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, केवल एएनएम वाले नहीं कर सकते, ऐसे एएनएम के बच्चे जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं बस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट या स्टाफ नर्स के लिए बोल सकते हो। ऐसे अगर हम लोग किसकी बात करें, कार्डियक टेक्नीशियन की, कार्डियक टेक्नीशियन की करें तो ये किस पे है, ये 12th लेवल की जॉब है, ये 12th लेवल की जॉब है। तो हायर सेकेंडरी 10+2 इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, 10+2 के साथ साथ क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फिर डिप्लोमा मांग रहे हैं, तब आपका 12th बेसिस नहीं है, तब आपका डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ऑफ ईसीजी होल्डर और टीएमटी के लिए होता है। तो ये बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पास इसका डिप्लोमा होता है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, वो बच्चे कार्डियक टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके लिए जो है इनमें मास्टर्स डिग्री मांगा है, किसमें, क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में मांगा हुआ है। इसमें पदों की संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, ये लेवल 6 की जॉब है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं ईसीजी टेक्नीशियन, ये भी लेवल 4 की जॉब है और इसमें भी 10+2 पे मांगा है, 10+2 या ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा, 10+2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन साइंस में होना चाहिए, हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्निक्स ऑफ अ रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन, ये सारे क्या होने चाहिए, ये आपके ईसीजी वालों के लिए होने चाहिए, ये ईसीजी टेक्नीशियन के लिए मांगा है। नोट में इन्होंने लिखा है कि सर्टिफिकेट शुड बी अ मिनिमम ऑफ ओनली, जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 साल का होना चाहिए और ओपन डिस्टेंस वाले भी यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया है। इसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे फील्ड वर्कर के लिए ये लेवल 2 की जॉब है, ये 12th स्टेज पे होता है, हालांकि इसमें पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन इसमें केवल साइंस किए हो आप 12th में और अभी उसमें बायो और केमिस्ट्री किए हो, मतलब साइंस से जो किए होते हैं 12th वो क्या कर सकते हैं, बायो जो लिए होते हैं पीसीबी वाले, आप क्या बोल सकते हो, पीसीबी वाले जो बच्चे होते हैं वो आपके फील्ड वर्कर के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फील्ड वर्कर के लिए जॉब क्या होता है, फील्ड वर्कर का जॉब ऐसे मतलब रिव्यू करना, या जैसे आप देखते होंगे कि अगर क्या हो गया, रेलवे इंप्लॉयज हैं, कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई या फिर कोई आपके वैसे ही स्टाफ है तो वहां पे जाके उनका रूटीन चेकअप होता है, वो आपका फील्ड वर्कर का जॉब होता है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर होते हैं, ये बढ़िया जॉब है, लेवल 6 की जॉब होती है और इसमें मांगा होता है बीएससी केमिस्ट्री एज अ मेन, बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स, प्लस 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बी दूसरा क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, आपके पास ये होता है तो आप इसे कर सकते हो, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए कहां पे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए, तो इसमें भी 12th स्टेज में साइंस होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी डीएमएलटी बोलते हैं, तो 12th प्लस डीएमएलटी है, तो वो बच्चा किसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए कर सकता है। इसमें दूसरा जो मांगा है, अगर ये नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब का, कोई बच्चा अगर 10+2 साइंस से नहीं है या उसके पास डिप्लोमा नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल लैब का सर्टिफिकेट है, तो वो क्या कर सकता है, भर सकता है। टेक्नोलॉजी एड पर विद डिप्लोमा इन मेडिकल टर्मोलॉजी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ, पहला क्या होना चाहिए, कोर्स हैज बीन डन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, ऐसी जगह से सर्टिफाइड होना चाहिए जो फिर क्या हो, जो किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हो। दूसरा क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन जो कोर्स है वो मिनिमम का क्या होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इन्होंने फिर बोला है कि शुड हैव डन द ट्रेनिंग ऑन द फुल टाइम बेसिस, चौथा बोला है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स देयर शुड बी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब ऐसा नहीं कि केवल सर्टिफिकेट हो, आपने कोर्स के बाद एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके मार्क्स इवैल्यूएट दिखाना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कर सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी वाले भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परफ्यूशनिस्ट के यहाँ पे अगर देखा जाए तो पदों की संख्या कम है, हालांकि जॉब अच्छी है, और बीएससी भी डिप्लोमा इन परफ्यूशनिस्ट होना चाहिए, यह ध्यान देना, ठीक है, परफ्यूजन होना चाहिए, बीएससी या होना चाहिए या फिर बीएससी हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, किसमें,
कार्डियोपल्मोनरी पंप टेक्नीशियन इन रेपुटेटेड किसमें होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। तो अगर आप बीएससी केवल किए हो और ये 3 साल का एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, या फिर बीएससी होना चाहिए, डिप्लोमा, डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें किसकी, फिजियोथेरेपिस्ट की, तो फिजियोथेरेपिस्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और ये क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी, साथ में क्या होना चाहिए, इनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, और नहीं इनको एक्सपीरियंस मस्ट है फिजियोथेरेपी में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगर रेडियोग्राफर, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा पूछे, तो रेडियोग्राफर के लिए आपका जो 12th है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, और डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में या एक्सरे टेक्नीशियन में या रेडियो डायग्नोसिस में, टेक्नोलॉजी में, और ये 2 साल का कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा, कोई अगर साइंस ग्रेजुएट है जैसे बीएससी है कोई, और अगर उसका डिप्लोमा है रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इनको प्रेफर्ड किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें किसमें, फार्मासिस्ट में, तो फार्मासिस्ट में 10+2, साइंस में 10+2 होना चाहिए, और 10+2 में साइंस होना चाहिए या फिर उसका इक्विवेलेंट, और डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, फार्मेसी में होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, या फिर आपका बी फार्मा किए हो, बैचलर डिग्री किए हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करेंगे, तो यहाँ पे बीएससी मांगा है, बीएससी के साथ साथ क्या मांगा है, डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस मांगा है, साथ में क्या मांगा है, या फिर 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हेमोडायलिसिस में। अगर हम लोग बात करें ऑप्टोमेट्रिस्ट की, तो इसमें बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑप्टो थैलेमिक टेक्नीशियन, द कोर्स शुड बी 3 से 4 साल का ड्यूरेशन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका ड्यूरेशन 3-4 साल का होना चाहिए, और कैंडिडेट शुड हैव रजिस्ट्रेशन विद द कंसल्ट काउंसिल लाइसेंसिंग बॉडी से होना चाहिए। उसके बाद अगर बात किया जाए लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट की, तो ये आपका एक अच्छा पद है, इसमें बीएससी बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे या लाइफ साइंस वाले बच्चे, या बीएससी विद केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, अगर मेन है या फिर ऑप्शनल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास क्या है डीएमएलटी का सर्टिफिकेट है या इक्विवेलेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप बीएससी किए हो मेडिकल टेक्नोलॉजी में जिसे डीएमएलटी ही बोलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा पद है लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट, मतलब होता है कि जो आप लैब में होते हैं, जो सारी चीजें जांच वांच करते हैं उनका होता है। डेंटल हाइजीनिस्ट जो है, यहाँ पे डेंटिस्ट से होता है, तो इसमें साइंस बायोलॉजी होना चाहिए, डिग्री इन साइंस मतलब कि बायोलॉजी में, बीएससी बायोलॉजी वगैरह होते हैं वो इसमें भर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का डेंटल हाइजीन फॉर्म, जनरल आप डिग्री किए हो, कोई भी जनरल डिग्री हो आपका, कोई जरूरी नहीं साइंस से हो, और आपके पास क्या हो 2 साल का डिप्लोमा हो डेंटल हाइजीन में, तो आप कर सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड डेंटल काउंसिल डेंटल हाइजीनिस्ट में रजिस्टर्ड हो तो भी कर सकते हो। ये सारे क्या एंड है और नहीं है, ध्यान देना, आपका डिग्री इन साइंस होना चाहिए बायोलॉजी, उसके साथ आपके साथ उसके साथ क्या होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपका चाहिए कि रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये भाई लेवल 6 की जॉब है, और ये अच्छी जॉब होती है डेंटल हाइजीनिस्ट की, हालांकि बहुत यहाँ पे लोड भी कम होता है डॉक्टर्स के पास जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। डाइटिशियन की बात किया जाए लेवल 7 की जॉब है, तो इसमें भाई बीएससी होनी चाहिए साइंस ग्रेजुएट, साथ में पीजी होना चाहिए किसमें डाइटेटिक्स में होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है और 3 साल का इंटर्नशिप ऐसा नहीं है, तो बीएससी होम साइंस हो साथ में एमएससी होम साइंस हो, तो इस कैटेगरी से बहुत सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी बच्चियां होती हैं जिनका बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस दोनों होता है, तो वो लोग डाइटिशियन के लिए क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 की जॉब है, वाकई में बहुत बेहतरीन जॉब है। अगर देखा जाए कैथ लैब टेक्नीशियन की, तो कैथ लैब टेक्नीशियन में बीएससी होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए किसमें कार्डियक लैब इन कार्डियक प्रोफेशनल कैथ लैब वर्क होना चाहिए, 2 ईयर्स हाउस ट्रेनिंग होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी लेबोरेटरी में। आप अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का देखा जाए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का 10+2 विद साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। साथ में अगर बात करें कि ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, तो एक लेवल 6 की जॉब है, एक लेवल 5 की जॉब है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं बैचलर इन ऑडियोलॉजी या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी जिसे BASLP बोलते हैं, या फिर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें ऑडियो और स्पीच थेरेपिस्ट की, तो यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट का होना चाहिए बीएससी डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि 20 कैटेगरी है इसलिए थोड़ा सा तो लंबा ज्यादा हो गए। अब आते हैं एक बार वैकेंसीज कहां पे, एक चीज समझिएगा आप लोग कि जरूरी नहीं है कि एक जोन में सारे पद हों। जैसे आप लोग फॉर्म भरते समय एक चीज सावधानी भरिएगा कि इसलिए मैं बता दूं कि फॉर्म कैसे भरना है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद को देखोगे तो यहां पे जो अच्छे अच्छे पद हैं, सबसे अच्छे अच्छे पद की कैटेगरी देखा जाए, हालांकि बात पद के अच्छे की नहीं होता है, बात यह है कि आप आपके पास क्या है एलिजिबिलिटी कौन सी है, सबसे बड़ी बात आपकी यह है।
तो कैटेगरी नंबर जैसे ये 4-5 दिया हुआ है, तो आप लोग अपने कैटेगरी नंबर के हिसाब से ही देखोगे। अब अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो अहमदाबाद में टोटल जो पदों की संख्या है वो केवल 51 है। तो अहमदाबाद जोन चूज करना एक बेटर ऑप्शन नहीं है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा गलती करोगे जोन चूज करने में। अहमदाबाद एक बेहतर विकल्प नहीं है क्योंकि टोटल वैकेंसी अहमदाबाद में 51 है। ऊपर से इसमें क्या है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के 13 पद हैं केवल, और ये अच्छे पद हैं यहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। रेडियोग्राफर में भी बच्चे एलिजिबल होते हैं, फार्मासिस्ट भी, ज्यादा बच्चे इन्हीं के मिलते हैं, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट और मलेरिया इंस्पेक्टर, ईसीजी टेक्नीशियन। तो पद तो यहाँ पे सारे क्रीम है, लेकिन वैकेंसीज क्या है, वैकेंसीज बहुत कम कम है। टोटल देखोगे तो आपका जैसे यहाँ पे अब रेडियोग्राफर का केवल एक पद है, वो भी केवल जनरल का है, तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा भर ही नहीं सकता है यहाँ पे, इस बात को समझिएगा। तो उन बच्चों के लिए ये आपका अहमदाबाद बेकार हो जाएगा, वहां पे केवल जनरल है जो रेडियोग्राफर वाले हैं, यही आपको समझने का प्रयास करना है। और अगर जैसे ईसीजी टेक्नीशियन होगा तो यहां पर भी क्या है, केवल जनरल में एक पोस्ट है, केवल जनरल में एक पोस्ट है, तो यहां पर बाकी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अहमदाबाद जोन बेकार हो गया। वहां पर भरोगे तो भर ही नहीं पाओगे, आपके पास वैकेंसी ही नहीं है, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं, तो आप क्या करोगे। तो ऐसे अगर हम लोग देखें प्रयागराज, प्रयागराज में टोटल यहाँ पे पोस्टों की संख्या तो ज्यादा है, कैटेगरी ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो पदों की संख्या यहाँ पे कम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5, 6, 7, 11, 9, 10 और 1 सारे कैटेगरी हैं, लेकिन अगर नर्सिंग स्टाफ का देखा जाए तो यहाँ पे 14 और 7, यहाँ पे 21, 22 है, जबकि यहाँ पे क्या है 20 है। तो प्रयागराज जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रयागराज कहीं ना कहीं नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी में देखोगे तो फील्ड वर्कर यहाँ पे केवल जनरल का एक पोस्ट है, हेल्थ वर्कर में जनरल और एससी का केवल एक पोस्ट है, लैबोरेटरी में देखोगे तो एक एक पद है, टोटल 3 पद हैं। और अगर मेन आप देख लो जैसे रेडियोग्राफर हो गया, तो रेडियोग्राफर में यहाँ पे 3 पद है, सारी कैटेगरीज में लगभग एक एक पद है, एसटी और ओबीसी का कोई पद यहाँ पे नहीं दिया गया है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसका, बात करें हम लोग अजमेर का, तो अजमेर में आपका यहाँ पे अजमेर में टोटल पद है यहाँ पे 34, टोटल पद 34 है, और इसमें भी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पद यहाँ पे केवल 3 है। तो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट वालों के लिए जो सबसे बेहतरीन पद है उनके लिए ये आपका अजमेर एक बेहतर विकल्प नहीं है। ऐसे अगर रेडियोग्राफर का देखा जाए तो केवल 4 पद है, साथ ही अगर हम मेन में देखें जैसे लैब असिस्टेंट का देखें तो यहाँ पे 9 पद है, और बाकी डायलिसिस वगैरह, डाइटिशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, यहाँ पे क्रमशः 1-1, 2-2, 3-3 ही यहाँ पे पद है। तो आप लोग जोन चेंज करके कि आपकी कैटेगरी में सबसे ज्यादा कहां पे है, आप उस जोन को चूज करिएगा। वैकेंसीज अगर, क्योंकि 21 जोन टोटल है और 20 कैटेगरी, तो भाई अगर 21 जोन है और 20 कैटेगरी है तो टोटल अगर देखा जाए तो आपके 420 टोटल आपके क्या होते हैं, कैटेगरी टाइप में बनते हैं, और उसमें भी 4-5 कैटेगरी है, मतलब आपके 21 जोन में प्रत्येक में 20 है ना, तो टोटल 420 जगह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहां पांच कहां पे करें, और सारी की कैटेगरी अलग अलग, तो हर कैटेगरी अपना अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, तो केसेस इसके क्या हो जाते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आपको 420 बार आपको इस फॉर्म को अच्छे से देखना पड़ेगा, आप ऐसे समझो। इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा आप समय दे दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि कहां से आपका भरना उचित है, कहां से नहीं। बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर एक बेहतर विकल्प है, 82 यहाँ पे ऑप्शन, 82 यहाँ पे क्या है, 82 आपके टोटल फॉर्म है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, जहां पे वैकेंसी ज्यादा होगी, जहां पे वैकेंसी ज्यादा होगी, अन्य जगह के लड़के भी क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे, सोचेंगे फॉर्म भर दें, यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है। बट इतनी वैकेंसी कहीं ज्यादा नहीं है कि कहीं पे 40-50 वैकेंसी हो और कहीं पे 300-400 वैकेंसी हो। ओवरऑल 21 जोन को डिवाइड कर लिया जाए संपूर्ण भारत में तो मात्र 1376 पद है, और अगर इसे 21 में डिवाइड कर दिया जाए तो 1300 बटे अगर हम लोग 20 कर दें तो लगभग ऑन एवरेज 60-70 पद हर जगह है। अरे 1376 आप 1400 कर दो, 1400 में अगर आप बटे 20 कर दोगे है ना, तो ये लगभग 70 पद ऑन एवरेज 70 पद एक जोन में आएगा। और वही आप देखो कहीं पे 82 है, कहीं पे 45 है, कहीं पे 51 है ऑन एवरेज, कहीं पे 17 से 10-20 ज्यादा, कहीं पे 70 में 10-20 कम, ऐसे चलेगा। तो आपको अपने जोन से छोड़ के जाना दूसरे जोन में ये कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, पहली बात मैं ये बोलूंगा। लेकिन फिर भी आप पता लगे उस जोन में भरने का प्रयास करो जहां पे आपकी वैकेंसी नहीं है, तो वो भी बेहतर विकल्प नहीं है। तो जब आपको अपना जोन छोड़ना ही है तो आप उस जोन में जाइए जहां पे आपकी कैटेगरी की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है, जैसे एससी कैटेगरी का हम ले लें, मान लो यहाँ पे अगर वो बैंगलोर से डायलिसिस टेक्नीशियन का कोई व्यक्ति है, बैंगलोर से भरना चाहेगा तो भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। तो अगर आप बैंगलोर से नहीं भर सकते हो, आप बैंगलोर के हो, तो आप देखो कि फिर आपका डायटिशियन का कहां पे सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एक पद है आपका देखोगे भुवनेश्वर में,
अगर और भी देखो तो कहां पे सबसे ज्यादा, यहां पे भी कोई पद नहीं है, यहां पे भी कोई पद नहीं है, यहां पे भी कोई पद नहीं है। ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि किस जोन में सबसे ज्यादा पद है, और मेरे ख्याल से एक पद से ज्यादा आपके पास तो कहीं पे इस कैटेगरी में होगा नहीं डायटिशियन का, क्योंकि डायटिशियन की वैकेंसी ही बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आपके अगल बगल का जो सबसे नियरेस्ट जोन होगा वहां से आप क्या कर दोगे, वहां से आप अप्लाई कर दोगे। इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। तो जोन चेंज करने में एक बहुत बड़ा लफड़ा है, बहुत बड़ी चीजें हैं। अब इसको एक वीडियो के माध्यम से तो मैं नहीं बता सकता हूं, तो मैं जोन चेंज करने में आपके फॉर्म भरने में मदद पूरा कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जब मैं आपको जोन के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। आते हैं हम लोग एक बार इसके सिलेबस के बारे में देख लें। तो सिलेबस जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि सब में 10, 10, 10 और 70 पूछेगा। तो सिलेबस का अगर देखा जाए तो ये ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का सिलेबस ये है। बच्चे जब बोलते हैं कि सर सिलेबस नहीं मिल रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी जिस कैटेगरी का होगा वो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये मैं सिलेबस आपको कहां पे अपडेट करवा दूंगा, परीक्षा प्लस ऐप पे भी अपडेट करवा दूंगा, तो आप वहां पे जाके इसे सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा प्लस व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। तो सिलेबस को सेव कर लीजिएगा अपने पास, इसे प्रिंट करवा लीजिएगा। ये आपका कार्डियक टेक्नीशियन का है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डायटिशियन है, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है, डेंटल हाइजीनिस्ट है, डायलिसिस का है, हेल्थ इंस्पेक्टर का है, लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट का है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का है, परफेक्शनिस्ट का है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का है, फार्मासिस्ट का है और रेडियोग्राफर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे अगर आएंगे तो नेक्स्ट पेज पे बाकी का भी यहाँ पे दिया है, जैसे कैथ लैब का, ऑक्यूपेशनल का, स्पीच थेरेपिस्ट का, सभी का क्या दिया हुआ है, सभी का दिया हुआ है। तो आप इसे आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप कॉमन फॉर ऑल पोस्ट में क्या दिया हुआ है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट में आप देख सकते हो कि जैसे जनरल मैथमेटिक्स में सिंपल जनरली जो मैथ्स पूछता है वो सारा, रीजनिंग में वही चीज, जनरल अवेयरनेस में वही चीज, तो जनरल एथमेटिक्स और रीजनिंग इन्होंने और जनरल साइंस, तो 10 क्वेश्चन आपका साइंस का आएगा, 10 क्वेश्चन आपका ये आएगा और इन दोनों को मिला के 5-5 क्वेश्चन आएगा। इस बार देखिए क्या पैटर्न बदले हैं क्या, एक बार मैं देख लूं, इसमें नए वाले पैटर्न में देखा नहीं हूं कि इन्होंने पैटर्न नया वाला दिया क्या है। तो एक सेकंड एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका नया पैटर्न इन्होंने दिया क्या है, और ये सिलेक्शन वाले पेज पे इन्होंने दिया होगा, बेहतर तरीके से इन्हें समझाया होगा कि क्या होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन है, यहाँ पे आगे आते हैं, ये आपका जोन चेंज करने का है, डॉक्यूमेंट डेबी है, हाउ टू अप्लाई है, ये शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट है, इसके ऊपर ही बताया होगा, इसे अगर देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो यही सेम प्रोसेस है, 70 आपका प्रोफेशनल है और 10-10 नंबर आपका क्या है, ये मैथ और रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन होते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 1/3 निगेटिव होगा, 120 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, सिंगल स्टेज पेपर होगा और कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, इस बात को आप लोग समझते हुए चलिएगा। तो जो बच्चे बाकी जो जनरल पार्ट है इनकी तैयारी करना चाहते हैं, इन चीज की तैयारी आपको शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, रेलवे की क्लास पे आप जाके कर सकते हैं, और इसके बारे में प्रोफेशनल एबिलिटी के बारे में जल्दी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।